नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीके एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे विज्ञान के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों आज MCQ अनुसार हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। ये आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके अदर एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी है। इसमें से एक दो प्रश्न आपको ज़रूर आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं? उत्तर, रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन पौधे उत्सर्जित करते हैं। दूसरा प्रश्न, इसरो में एस का क्या अर्थ है? स्पेस, एस का अर्थ स्पेस है और फुल फॉर्म इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। तीसरा प्रश्न, हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन है? तो हड्डियों और दांतों में कैल्शियम रसायन है। चौथा प्रश्न, रसोई गैस का मिश्रण क्या है? आंसर, ब्यूटेन एवं प्रोपेन रसोई गैस का मिश्रण है। पांचवा प्रश्न, हीमोफीलिया एवं अनुवंशिकीय रोग है जिसका क्या परिणाम है? उत्तर, रक्त का थक्का नहीं जमना। छठा प्रश्न, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? उत्तर, 120 से 80। सातवा प्रश्न, ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी धातु कौन सी है? उत्तर, एल्यूमिनियम, ये ऊष्मा का सबसे ऊष्मारोधी धातु है। आठवा प्रश्न, वैट को किस में प्रकट कर सकते हैं? वैट को जूल प्रति सेकंड में प्रकट कर सकते हैं। नवा प्रश्न, अल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग होता है? उत्तर, ईस्ट का प्रयोग होता है। दावा प्रश्न, कपड़े से शाही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ईथर का प्रयोग जंग और धब्बे छुड़ाने के लिए किया जाता है। ग्यारहवा प्रश्न, मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया मादा एनेफिलीज मच्छर द्वारा होता है। बारहवा प्रश्न, डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का क्या अर्थ है? उत्तर, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। तेरहवा प्रश्न, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे भोजन करते हैं। चौदहवा प्रश्न, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रण करने में होता है? धारा का नियंत्रण करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। पंद्रहवा प्रश्न, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। सोलहवा प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। सत्रहवा प्रश्न, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत दालें हैं। अठारहवा प्रश्न, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? उत्तर, डाई एसिटिक के कारण देसी घी में सुगंध आती है। उन्नीसवा प्रश्न, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण इंद्रधनुष में अधिक होता है। बीसवा प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। इक्कीसवा प्रश्न, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? उत्तर, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। बाईसवा प्रश्न, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है।
23वां प्रश्न, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। 24वां प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पृथ्वी पर पाया जाता है। 25वां प्रश्न, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? उत्तर, कैल्शियम कार्बोनेट का मोती बना होता है। 26वां प्रश्न, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज़्यादा होता है। 27वां प्रश्न, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? उत्तर, एपिथीलियम ऊतक सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। 28वां प्रश्न, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जीव जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता ये सर्वप्रथम पालतू बनाया गया प्राणी है। 29वां प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? ये है डेवी ने सर्वप्रथम बर्फ को आपस में घिसकर पिघलाया था। 30वां प्रश्न, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। 31वां प्रश्न, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है? ऊर्जा। 32वां प्रश्न, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो उत्तर, किवीट। 33वां प्रश्न, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। 34वां प्रश्न, टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कार कौन है? शोल ये टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। 35वां प्रश्न है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है। 36वां प्रश्न, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? एक्जेलिक अम्ल का कपड़ों से जंग धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 37वां प्रश्न, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों के कारण गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। 38वां प्रश्न, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका आम का वनस्पतिक नाम है। 39वां प्रश्न, कॉफ़ी पाउडर में के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है ये। 40वां प्रश्न, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। 41वां प्रश्न, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में एकत्रित होने से थकावट आती है। 42वां प्रश्न, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। 43वां प्रश्न, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन को कहते हैं। 44वां प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी होती है। 45वां प्रश्न,
दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के दांत बने होते हैं। 46वां प्रश्न, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो उत्तर है पैरामेशिया। 47वां प्रश्न, केचुओं की कितनी आंखें होती हैं? तो केचुओं को आंख नहीं होती, एक भी आंख नहीं होती। 48वां प्रश्न, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? उत्तर है विटामिन ए का समृद्ध स्रोत गाजर है। 49वां प्रश्न, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। 50वां प्रश्न, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का मानव का मस्तिष्क होता है। 51वां प्रश्न, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा रक्त में पाया जाने वाली धातु है। 52वां प्रश्न, किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने में ब्रेड का बनाना, गीले आटे का खट्टा होना, ये किण्वन का उदाहरण है। 53वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर इसका उत्तर है। 54वां प्रश्न, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ट्रेको ये उड़ने वाली एक छिपकली है। 55वां प्रश्न, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है? मिट्टी के तेल में रखी जाती है। 56वां प्रश्न, धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना, ये धमनियों का कार्य होता है। 57वां प्रश्न, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? थल समीर कहलाती है। 58वां प्रश्न, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? शुक्र और अरुण। 59वां प्रश्न, एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है, उसमें धारा का प्रवाह होता है, इसे क्या कहते हैं? उत्तर है फिलामेंट कहते हैं। 60वां प्रश्न, वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है, उसे कहते हैं एक सेकंड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।